वेलकम टू डीजी फॉर टेक, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि चलेगा 29 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक। इस सेल में आपको मैं सबसे पहले मोबाइल डील के बारे में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डील पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, आप अच्छे से पहले टीएनसी पढ़ लें। अगर आपको टीएनसी पढ़ने पे मेहनत नहीं करना है, तो आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी कार्ड है या दोनों ही कार्ड है, तो उससे यानी कि उसकी डिटेल को आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पे लिंक कर लीजिए, यानी कि सेव करके रखिए। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं उसे ऐड टू कार्ड कीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को, और वहां देखिए आपको इंस्टेंट डिस्काउंट कितना मिल रहा है। अगर आप उस प्राइस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू से सेटिस्फाइड हैं, तो आप आगे प्रोसीड कीजिए। अदरवाइज आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इजी ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईफोन के जैसे कि आपको डील दिख रहे हैं, मैं इनके प्राइस आपको अनवील कर देता हूं। आईफोन 10R आपको 50,000 रुपीस में मिलेगा स्टार्टिंग वेरिएंट, आईफोन 10 आपको मिलेगा 70,000 रुपीस में स्टार्टिंग वेरिएंट, आईफोन 7 आपको मिलेगा 37,000 रुपीस पे स्टार्टिंग वेरिएंट, और आईफोन 7 प्लस मिलेगा 37,000 रुपीस पे। आईफोन 7 आपको 30,000 में मिल रहा है, आईफोन 7 प्लस 37,000 रुपीस में, और आईफोन 8 आपको मिल रहा है 41,000 रुपीस में। अब बात करते हैं जल्दी से मोबाइल्स के डील के बारे में। सबसे पहला डील है रियलमी का C2, इग्नोर कर दीजिए, बेकार फोन है, क्योंकि 13 है आपको 6,000 और 7,000 रुपए में मिलता है। आपको 6,000 ही अगर खर्चा करना है तो रेडमी का 7A परचेस कीजिए, और 7,000 के आसपास आपको खर्चा करना है तो रेडमी का 8A परचेस कीजिए, जो इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। अब आगे बात करते हैं रेडमी का नोट 7 प्रो। ये तो वैसे ऑलराउंडर फ़ोन है, आपको रेडमी के बारे में बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इस फ़ोन पे 4GB 64GB 12,000 रुपये, 6GB 64GB 14,000 रुपये, 6GB 128GB 15,000 रुपये। स्नैपड्रैगन 675 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो कि सोनी का MX586 सेंसर के साथ आता है। सेल्फी 13 मेगापिक्सल है, 4000mAh की बैटरी है, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, और 1,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वीवो का Z1 Pro ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है गेमर्स के लिए, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 7112 वाला प्रोसेसर दिया गया है, 5000mAh की बैटरी है, और फास्ट चार्जिंग 18 वॉट का भी है, डॉट नॉच वाला डिस्प्ले है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, और एक बड़ी बैटरी है 5000, जिसे आप फास्टली चार्ज भी कर सकते हैं। वीवो का फन टच UI आपको इसमें मिल जाएगा, एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स पे। काफ़ी अच्छा फ़ोन है वीवो के तरफ से आने वाला, इस फ़ोन को आप ले सकते हैं। रेडमी का नोट 7S ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 3GB 32GB आपको मिलेगा 9,000 रुपये में, 4GB 64GB मिलेगा आपको 10,000 रुपये में। इस फ़ोन पे भी आपको 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का GM1 वाला सेंसर मिलेगा, और इसमें स्नैपड्रैगन 660 वाला प्रोसेसर है, 4000mAh की बैटरी है। ये फ़ोन भी आपको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, फुल HD वाली डिस्प्ले है, सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल दिया गया है। आप इस फोन को इजिली कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और एक डिसेंट फ़ोन है। रियलमी 5/4 भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने रियलमी C2 के लिए मना किया, बट रियलमी 5 के लिए मना नहीं करूँगा, क्योंकि रियलमी 5 स्नैपड्रैगन 665 वाले प्रोसेसर के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी दी गई है, और अप टू 4GB तक का वेरिएंट दिया गया है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वैसे तो गिमिक है, मेन कैमरा आपको ही सिर्फ 13 मेगापिक्सल का मिलता है, उसके बाद आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, बाकी दो कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो जहां 2 मेगापिक्सल यूज़ होते हैं, वहां उस कंपनी के उस मॉडल से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि 2 मेगापिक्सल जो काम कैमरा करता है, वो काम एक्चुअल तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी कर सकते हैं।
तो जबरदस्ती भीड़ बढ़ा के लोगों को दिखावा करने के लिए कि हाँ मैंने 10 कैमरा दिए हैं, लेकिन 10 में से 8 कैमरा पूरे 2-2 मेगापिक्सल के हैं, तो ये फालतूगिरी है। अब बात करते हैं रेडमी का K20। ये अपर प्रीमियम फ्लेक्सिप लेवल का फोन है रेडमी की तरफ से आने वाला। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा है 48+13+8, 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है, 12 4G वोल्टी फेस पासवर्ड, 4000 mAh की बैटरी, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट भी दिया गया है, 6/64 6/128 वाला वेरिएंट इसमें है। सैडली बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके का मेमोरी कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आप ना हाइब्रिड मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं ना या डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड, इसमें सिर्फ सिम स्लॉट का ही सपोर्ट दिया गया है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही इसका कॉन है सबसे बड़ा, वो यही है कि आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। दूसरी कॉन इसकी प्राइस थी, जो कि अब इस सेल पे कम हो चुकी है, बट अगेन ये 20,000 रुपये में आपको बेस वेरियंट मिलता है 64 6 GB 64 GB वाला, जिसके लिए मैं आपको कंसिडर नहीं करूँगा। आप इसका अपर वेरियंट लीजिए जो कि 22,000 रुपये का है, 6 GB 128 GB स्टोरेज के साथ। Redmi 7A काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 5,000 रुपये में आप ले सकते हैं, 4000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर है और फेस पासवर्ड भी है इसमें, 4000 mAh बैटरी को भी बड़ा बैटरी भी दिया गया है आपको, पीछे सिंगल कैमरा है और MIUI 10 का सपोर्ट मिलता है आपको Android 9 Pie के ऊपर। इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का भी सपोर्ट दे दिया गया है। Realme का XT फोन जो है ये काफ़ी अच्छा फोन है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, सुपर एम्बलॉयड डिस्प्ले दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और Realme का इसमें आपको सॉरी स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर दिया गया है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। उसी तरीके से Realme का 5 Pro ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 13,000 रुपये में, स्नैपड्रैगन 712 के साथ आता है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, 64 तो नहीं है बट क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, वुक चार्जिंग का सपोर्ट है, 12 4G वोल्टी फेस पासवर्ड, बड़ी बैटरी दी गई है 4000 mAh की है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इस फ़ोन को भी आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं पोको फ़ोन की। पोको फ़ोन का प्राइस कम हो चुका है, पोको फ़ोन 15,000 रुपये, 16,000 रुपये और 19,000 रुपये में आपको मिल रहा है, 15,000 में 6/64, 16 में 6/128, 19 में 8 GB 256 GB। स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है, iPhone 10 वाला फेस पासवर्ड है, यानी कि लेजर फेस पासवर्ड है, IR ब्लास्टर है, वाटर लिक्विड कूलिंग है, और उसके अलावा टाइप सी है, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, 4000 mAh की बैटरी है, काफ़ी अच्छा हार्डवेयर कॉम्बिनेशन गेमिंग पर्पस के, सुपर हार्डवेयर पर्पस से आता है ये फ़ोन। Realme 3 Pro ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, 11,000 रुपये में है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 12 रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, वुक चार्जिंग मिलेगा और कलर OS 6.1 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि Android 9 Pie पे है। फिलहाल Android 10 का अपडेट तो इसमें आया नहीं है, लेकिन कंपनी जल्द ही दे देगी आपको। अब बात करते हैं Realme, Xiaomi और मोटरोला का। तो मोटरोला पे अभी तो फिलहाल ऐसा कोई वाव फैक्टर वाला फ़ोन नहीं है, सिवाय E6S के। ये 4GB 64GB के साथ आता है मोटरोला का E6S, जिसकी प्राइस रखी गई है 8,000 रुपये और 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वॉट का मोटो टर्बो चार्जर को, और इसमें Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है और मोटो जेस्चर सपोर्ट के साथ। सैमसंग का A50 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सुपर एम्बुलर डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है और प्राइस रखी गई है सिर्फ 17,000 रुपये, मतलब रखी नहीं गई है, प्राइस कट करके हो गई है 17,000 रुपये 4 GB की। लेकिन अगेन आपको 6 GB वाला ही मॉडल फ्यूचर प्रूफ अगर लेना है तो 6 GB वाला लीजिए, प्राइस बचाना है तो आप 17,000 का भी ले सकते हैं। ओप्पो का फ़ोन जो है, ओप्पो में मैं आपको सिर्फ एक ही फ़ोन सजेस्ट करूंगा, वो है ओप्पो का K5 और बाकी ओप्पो के रेनो सीरीज़। ओप्पो के रेनो सीरीज़ जो है, यानी कि ओप्पो रेनो 2 का जो सीरीज़ है, ओप्पो रेनो 2, 2Z, 2F, ये तीनों फ़ोन आप ले सकते हैं जो आपके प्राइस बजट पे आए, क्योंकि ओप्पो के रेनो सीरीज़ काफ़ी अच्छे
रैम प्रोसेसर हार्डवेयर प्राइस बजट सब ओवरऑल कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं। और ओप्पो का एक K5 नाम का फोन जो है वो 10 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है 18,000 रुपये के प्राइस बजट पे। उस पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 730 वाला प्रोसेसर मिलेगा और सुपर वूक चार्ज का सपोर्ट आपको उसमें मिल जाएगा। उसी तरीके से वीवो पे मैं आपको सिर्फ दो बेहतर फोन सजेस्ट करूंगा। पहला है वीवो का Z1 Pro और दूसरा है उसी का ब्रेडेड मॉडल वीवो का Z1X, और तीसरा एक चीपर वेरिएंट है जो कि है वीवो का U10। अगर आपका बजट 10,000 का है तो आप जाइए वीवो U10। अगर आपका बजट है 12-13 हज़ार रुपये का तो आप ले सकते हैं वीवो Z1 Pro। अगर आपका बजट है 15 से 16 हज़ार वाला तो आप वीवो का Z1X ले सकते हैं। वीवो का सिर्फ तीन फोन है जिसे आपको कंसीडर करना है, आप उन तीन फोन को ही ध्यान दीजिए। अब सैमसंग पे मैं आपको सिर्फ दो फोन सजेस्ट करूंगा। पहला फोन है सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी M30S, 14,000 रुपये का, 13,000 रुपये, 14,000 रुपये में आपको ये फोन मिलता है। और इस फोन में आपको 6,000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, ट्रिपल रियर कैमरा है, मेन कैमरा 48 MP का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग है। दूसरा फोन है सैमसंग गैलेक्सी A50, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4,000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और एक्सिनोस का 9610 वाला प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। काफी अच्छा लुक, प्रीमियम डिजाइन आपको मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप डिजाइन के साथ ये फोन आता है। ऑनर के डील पे आप ऑनर का 10 Lite को ध्यान दे सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। 710 किरिन के साथ आता है, ये किरिन 710 प्रोसेसर है, डिसेंट बैटरी है यानी कि 3,400 mAh की बैटरी है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, डुअल 4G मल्टी फेस पासवर्ड का सपोर्ट है और इमोशन UI आपको इसमें मिलता है Android 9 Pie के ऊपर। और इमोशन UI जो है मार्केट पे काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है विदाउट किसी एड वेट के। ऑनर ब्रांड में मैं आपको एक और फ़ोन सजेस्ट करूंगा। एक और फ़ोन जो है वो है ऑनर का 20i, 13,000 रुपये के, 12-13 हज़ार रुपये के प्राइस बजट पे आता है। काफ़ी है, किरिन 710 है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, बड़ी बैटरी दी गई है, सेल्फी कैमरा भी आपको 32 MP का दिया गया है, रियर पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा और Android 9 Pie, इमोशन UI 9.1 पे। काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सैमसंग गैलेक्सी S9, S9 Plus को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, 30,000-35,000 में भी लेने लायक फ़ोन नहीं है ये, क्योंकि अगर आपको पैसा देना ही है तो आप नए सीरीज पे लीजिए। 30,000 रुपये में आपको OnePlus 7 मिल रहा है, आप उसे लीजिए। और 35,000 रुपये में, यानी कि 37,000 रुपये में अभी OnePlus का 7T लॉन्च हुआ है। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो 30,000 में आपको Redmi का K20 Pro मिल जाएगा और आपको 35,000 के बे दूसरा कॉम्पिटिशन मिल जाएगा, Asus का 6Z। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन अवेलेबल हैं तो आपको इतने पुराने आउटडेटेड फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से Pixel 3a XL को भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, Pixel 3 XL भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Pixel 4 लॉन्च होने वाला है 10 अक्टूबर को, उसकी डेट फाइनल हो चुकी है। Pixel 4 XL जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन रहेगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा, डॉट नॉच वाली डिस्प्ले दी जाएगी, कोई पॉपअप सेल्फी कैमरा डिज़ाइन नहीं दिया गया है फिलहाल जिस लीक से हमारे पास आए हैं। Nokia 6.1 Plus बेकार फ़ोन है, इग्नोर करना है। Nokia 8 Sirocco इग्नोर, LG Q Stylus इग्नोर, इन्फिनिक्स का 05 भी इग्नोर, LG K9 इग्नोर, Macromax N11 इग्नोर, Oppo A83 इग्नोर, Asus का 5Z फोन आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपका बजट कम है, 15-16 हज़ार पे आपको एक फ्लैगशिप हार्डवेयर का फ़ोन लेना है तो ही आप Asus का 5Z फोन को लीजिए है। और अगर आपको दूसरा पोको फोन पसंद नहीं आता है, क्योंकि 15-16 हज़ार में फ्लेक्सी हार्डवेयर सिर्फ पोको और Asus 5Z पे ही अवेलेबल है, जैसे कि इस साल K20 Pro और Asus 6Z पे अवेलेबल है, उसी तरीके से इन दोनों ब्रांड को आप कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 15-16 पे वही मिलेगा, 710-712 प्रोसेसर वाला फोन आपको मिलेगा Realme, Redmi और Oppo, Vivo की तरफ से। अगर आपको 845 लेना है 16-17 हज़ार में, तो आपके पास सिर्फ दो मॉडल हैं,
पोको F1 और दूसरा 5Z, आसूस मैक्स M2 इग्नोर, मैक्स प्रो M1 इग्नोर, आसूस 6Z काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिल्कुल ले लीजिए। अगर आपको आसूस का फ़ोन लेना है, इसमें इस फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, क्योंकि फ्लिप डिज़ाइन दिया गया है। 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, वही बैक कैमरा आपका सेल्फी पे कन्वर्ट होता है फ्लिप मॉड्यूल के साथ, यानी कि आपको सेल्फी पे उतनी अच्छी कैमरा मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग, 12 4G वोल्टी फेस पासवर्ड, स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर दिया गया है, बहुत अच्छे डिसेंट हार्डवेयर कॉम्बिनेशन के साथ ये फ़ोन आता है। अब बात करते हैं आगे फ़ोन के। ये सब जितने फ़ोन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सभी फ़ोन आपको इग्नोर करने हैं, इसमें से कोई भी फ़ोन लेने लायक नहीं है। ये सब फ़ोन इग्नोर कीजिए, कोई भी फ़ोन वैसे लेने लायक नहीं है इसमें से। इन्फिनिक्स के मैं दो फ़ोन आपको सजेस्ट कर देता हूँ, इन्फिनिक्स नोट 5, सिर्फ एक रीज़न की वजह से इसे सजेस्ट करूँगा, ये एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के साथ आता है, और 7000 रुपये में अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला मोबाइल परचेज करना है, यानी कि एंड्रॉयड 1 वाला फ़ोन, प्योर एंड्रॉयड, कोई गो एडिशन नहीं, प्रॉपर स्टेबल फुल एंड्रॉयड यूज़ करना है, तो 7000 में आपको मिल जाता है। और दूसरा है इन्फिनिक्स हॉट 8, क्योंकि 7000 रुपये में ये ट्रिपल रियर कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 12 4G वोल्टी फेस पासवर्ड, हीलियो का P22 वाला प्रोसेसर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। फुल HD+ वाली डिस्प्ले दी गई है इस फ़ोन पे, और 6.3 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। लेनोवो का A6 इग्नोर कीजिए, लेनोवो का K10 नोट काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 7110 प्रोसेसर के साथ आता है, कैमरा, रैम, प्रोसेसर, लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगेन, इस फ़ोन को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि लेनोवो फ़ोन और मोटरोला, ये दोनों ब्रांड जो हैं वो आते हैं और जाते हैं, इट मीन्स ये मार्केट पे कंटिन्यू नहीं रहते हैं। तो सबसे पहली बात हो जाती है ट्रस्ट लेवल की। अगर मैं इनके फ़ोन परचेज करता हूँ, तो क्या मुझे अगले 2 साल तक इनके फ़ोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा? अगर मेरा फ़ोन एक्सीडेंटली गिर के टूट जाता है, तो स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए मुझे इनके एसेसरीज मिलेंगे? बैटरी अगर फूल जाता है, तो मुझे बैटरी रिप्लेसमेंट एसेसरीज मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो हैं इन दोनों ब्रांड पे उठते हैं, जो कि है लेनोवो और मोटोरोला। लेनोवो का K10 प्लस फोन जो है ओवर प्राइज है, क्योंकि 11000 रुपये में आपको 665 वाला प्रोसेसर मिलता है। 665 प्रोसेसर वीवो आपको सस्ते में दे रहा है, रियलमी सस्ते में दे रहा है, MI सस्ते में दे रहा है, तो लेनोवो जैसे ब्रांड पे अगर आपको 11000 देना पड़े 665 प्रोसेसर के लिए, तो ये ओवर प्राइज है। एटलीस्ट ये 9000 रुपये में अगर होता, तो ही मैं आपको इसको सजेस्ट करता कि आप इस फ़ोन को लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इस फोन यहाँ पर जैसे स्क्रीन में दिखने वाले जितने भी फ़ोन हैं, सभी फालतू फ़ोन हैं, आपको कोई भी फ़ोन पे ध्यान नहीं देना है। अब आगे मैं देख रहा हूँ इसमें, हाँ, OPPO F11 Pro, आप इस फ़ोन को देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, रिकमेंडेड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी प्राइस अभी भी 17000 रुपये है। अगर आपको 17000 रुपये में रियलमी का XT मिल रहा है, रियलमी का 5 Pro मिल जा रहा है, बहुत सारे ऐसे अदर मॉडल्स हैं जो कि लेटेस्ट लॉन्च है, हाई हार्डवेयर के साथ है, बेहतर बैटरी चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, तो आप इस फ़ोन को इग्नोर कीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल डीजी फॉर टेक को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ, उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस शेयर से बहुत सारे आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को ये पता चलेगा कि अपने पैसे को किस तरीके से और कहाँ सही तरीके से ढंग से इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स के लालच में बहुत सारे लोग पुराने मॉडल को परचेस कर लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखते रहिए, और हम आगे भी मिलेंगे। थैंक यू।